तो इसी में ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ आज सारे कंटोनमेंट के अवाम से और तेलंगाना के अवाम से, जो डेवलपमेंट सारे हिंदुस्तान में आज कहीं डेवलपमेंट हो रहा, कहीं गंगा जमुना तहजीब का अमल हो रहा, तो वो है एक तेलंगाना, वो है हमारे शख्स, वो है हमारे सीएम साहब केसीआर साहब तेलंगाना के गॉडफादर है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा सारे अवाम से, और मैं इस छोटे से जगह से कंटोनमेंट के इलाके से खड़के मैं सारे हिंदुस्तानियों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। मेरी बात को गौर से सुने मेरे भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सारे हिंदुस्तानियों से, मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते कहूंगा, किसान हल चलाना जानता है, केसीआर साहब देश चलाना जानते हैं। तो जो ऐसा इंसान जो देश चलाना जानता है, वैसे हमारे केसीआर साहब से एक स्टेट को मत चलाइए, सारे हिंदुस्तान को चलाइए। आज जो गंगा जमुना तहजीब, जो हम इंसानियत के नाते इंसानियत के तौर पे एक जगह जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। कि आज गुजरात में क्या हो रहा, आज कर्नाटक को उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा देख लीजिए। कोई हिंदू मुसलमान से बात करने को राजी नहीं है, कोई मुसलमान हिंदू के घर में पानी पीने को राजी नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान के घर में खाने को राजी नहीं है। आज हमारे ईद के त्यौहार पे, रमजान के ईद में कईयों हिंदू भाइयों कईयों मुसलमान भाइयों साथ में गले लगाकर खाना खाए एक दस्तरखान पे बैठ के, इसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। ये माहौल हम सारे हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। अगर सारे हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में सरकार तेलंगाना केसीआर साहब की आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के केसीआर साहब रहेंगे, और हमारे कंटोनमेंट में जो हमारे गज्जर नागेशन्ना जो गंगा जमुना तहजीब को लेकर चल रहे, आज सारे हिंदू मुसलमान भाइया गज्जर नागेशन्ना से खुश है, इसलिए कि इंसानियत को जोड़े रखने वाले शख्स है, तो वह शख्स गज्जर नागेशन्ना है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हाल ही में हमारे रमजान की ईद गई, सब हमारे भाइयों देखे होंगे, कंटोनमेंट की आवाम पूरी देखी, हैदराबाद की आवाम देखी, तेलंगाना की आवाम देखी, वही शख्स हमारे गज्जर नागेश साहब जो इफ्तार पार्टियों में जो दावत इफ्तार दावत सहरी और रमजान की ईद और ईद के दिन भी ईदगाह के सामने हर मुसलमान के गले लगाने वाला एक सिर्फ वही शख्स गज्जर नागेश। तो इंसानियत को जोड़े रखने वाले शख्स हमारे बीच में रहना, ताकि आने वाले नौजवानों में एक मैसेज जाए, सब बरकरार एक जगह एक झुंड होकर सारे हिंदुस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ इस छोटे से जगह पे खड़के में कंटोनमेंट कॉन्फ्रेंसी से, कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये गंगा जमुना तहजीब सारे हिंदुस्तान में लहराएगी। नागेश्वर नायकत्व।